सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में हम क्या करेंगे, पहले हम इस इक्वेशन को बनाएंगे इस फॉर्म में, एक्स ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आती है एक्स प्लस वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो, फाइव एक्स प्लस ट्वेल्व वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास इक्वेशन आती है अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अब हम यहां पे लिखेंगे x माइनस वाई और वन। x के नीचे हमें क्या लिखना है, सिर्फ जो x के कोफिशियंट है उन्हें छोड़ के हम लिखेंगे y के कोफिशियंट्स वन ट्वेल्व, और जो कांस्टेंट पार्ट है उनके c1 c2 की वैल्यू। उसके बाद जब y हमें लिखना है तो y को छोड़ दो और जो x के कोफिशियंट है वो लिखो, और जो कांस्टेंट पार्ट c1 c2 है वो लिखो। उसके बाद 1 के नीचे कांस्टेंट पार्ट छोड़ दो और x के कोफिशियंट और y के कोफिशियंट हम लिखेंगे। सबसे पहले x लिखना है, माइनस y लिखना है और 1 लिखना है। उसके बाद x के नीचे y और कांस्टेंट पार्ट, y के नीचे x और कांस्टेंट पार्ट, और 1 के नीचे x और y के कोफिशियंट। उसके बाद हमें इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू माइनस सेवन माइनस इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का। तो यहां पे क्या बनता है, x अपॉन 1 इंटू माइनस सेवन माइनस माइनस सेवन इंटू ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 1 इंटू माइनस सेवन माइनस माइनस सेवन इंटू फाइव इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू ट्वेल्व माइनस 1 इंटू फाइव। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x अपॉन माइनस सेवन और माइनस इंटू माइनस प्लस 84, माइनस वाई अपॉन यह आएगा माइनस सेवन माइनस माइनस प्लस 35 इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 माइनस 5। सॉल्व करेंगे x अपॉन 77 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 28 इज इक्वल टू 1 अपॉन 7। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है तो एक बार हम x को इसके साथ सॉल्व करेंगे, तो x अपॉन 77 इज इक्वल टू 1 अपॉन 7, x इज इक्वल टू 11 आ गया। और एक बार y जब हमें निकालना है तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस 4। ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें किस मेथड से करना है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हम उसी मेथड का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें ऐसा नहीं दिया है कि कौन सा मेथड हमें यूज करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, कोई भी मेथड जो हमें ज्यादा अच्छे से आता हो या हमें सिंपल लगता हो, हम उस मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहां पर कुछ क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमारे पास क्या हुआ, दो इक्वेशन दी हुई हैं। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है एक्स और वाई के लिए, जिसमें कि हम यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई माइनस, और ब्रैकेट में मैं कर लेता हूं ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। ऐसे ही जब हम इसे लिखेंगे बी एक्स माइनस ए वाई, हम यहाँ ब्रैकेट में कर लेते हैं इसे, पूरा ए प्लस बी के साथ माइनस साइन आ जाएगा, इक्वल्स टू के इधर ये पूरा प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो जब हम इक्वल्स टू के इधर लाएंगे तो ब्रैकेट के बाहर क्या जाएगा, माइनस लग जाएगा यहाँ पे। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के लिए, मैंने बताया था क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई और वन, और इनके अपॉन में क्या लिखेंगे वो हमें पता है। कैसे लिखा जाएगा, एक्स के नीचे जब मैं लिख रहा हूं तो मैं एक्स के कोफिशियंट्स को छोड़ दूंगा, क्या लिखेंगे यहां से लेफ्ट से राइट लिखते हैं, तो पहले बी और माइनस ए, और ये क्या आ गया, माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी। ऐसे ही माइनस वाई के नीचे क्या लिखा जाएगा, माइनस वाई के नीचे हम वाई के कोफिशियंट छोड़ देंगे, लेफ्ट से राइट लिखेंगे, पहले क्या आएंगे एक्स के कोफिशियंट ए और बी, और फिर आएगा माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी। उसके बाद क्या करा जाएगा, जब हम वन के नीचे लिखेंगे तो एक कांस्टेंट पार्ट को छोड़ के पहले हम लिखेंगे एक्स के कोफिशियंट्स को, फिर हम लिखेंगे वाई के कोफिशियंट्स को, और उसके बाद हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, माइनस
इन दोनों का मल्टीप्लाई, ऐसे ही यहां पे भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, x अपॉन b इंटू माइनस ए प्लस बी, माइनस करना है अब हमें ये फॉर्मूले का माइनस, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है माइनस ए इंटू माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन, यहां पे क्या आएगा a इंटू माइनस ए प्लस बी, ये फॉर्मूले का माइनस है, उसके बाद b इंटू माइनस ए माइनस बी, यहां पे भी करेंगे a इंटू माइनस ए, ये फॉर्मूले का माइनस b इंटू बी, ब्रैकेट में रखेंगे तो हमारे पास साइन की जो मिस्टेक्स होती हैं वो होने के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद यहां पे देखो ये क्या आता है, x अपॉन ये आएगा माइनस बी ए प्लस बी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां हम रखेंगे माइनस ए इंटू ए माइनस बी, उसके बाद माइनस वाई यहां पे आता है माइनस ए ए प्लस बी, और यहां पे ये माइनस है, एक माइनस यहां पे माइनस है और एक माइनस यहां पे है, तो ये हो गया प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद यहां अगर हम लिखेंगे तो क्या आता है, वन अपॉन माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, एक्स अपॉन ये आता है माइनस ए बी और ये आएगा माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा माइनस ए स्क्वायर और ये होगा प्लस ए बी, तो यहां पे ए बी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम y के लिए सॉल्व करेंगे, माइनस वाई अपॉन ये आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी और माइनस बी स्क्वायर, यहां पे भी ए बी कैंसिल हो गया, और वन के लिए तो हमारे पास पहले से ही माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब जो बचा हुआ है वो लिख लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, यहां पे माइनस वाई अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, और यहां पे वन अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या करा, यहां पर सॉल्व कर लिया। अब क्या करा जाएगा इसके बाद, अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, तीनों इक्वल है तो हम दो टर्म्स को बराबर रख सकते हैं, तो इसे और इसे हम बराबर रखेंगे, तो x अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और यहां पर 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 1 आ जाएगी। ऐसे ही जब मुझे y की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, जब मुझे y की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों को बराबर रखेंगे, तो माइनस वाई अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैंसिल हो गया और y की वैल्यू जो आ गई यहां पर माइनस वन आ गई, तो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर। अब मेरे पास इक्वेशन दी हुई है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू टू, और एक इक्वेशन दी हुई है ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो हम यहां पे x का कोफिशियंट 1 अपॉन a और y का कोफिशियंट 1 अपॉन b लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा एलसीएम लेके एक जिस फॉर्म में ये वाली इक्वेशन है इसी फॉर्म में इसे लिख लेते हैं। मेरे पास इक्वेशन है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू टू, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यह आता है बी एक्स प्लस ए वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू टू, और इस टू की हम इधर मल्टीप्लाई कर दें, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू टू ए बी, और इसे इधर लेके आ जाओ बी एक्स प्लस ए वाई माइनस टू ए बी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई पहली इक्वेशन की, और दूसरी इक्वेशन को जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ए एक्स माइनस बी वाई और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम वही करते हैं फिर से, एक्स अपॉन माइनस वाई अपॉन और वन अपॉन
क्या क्या लिखा जाएगा, x के नीचे हम क्या लिखेंगे, x के कोफिशियंट छोड़ दो, माइनस टू ए बी और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही माइनस वाई के नीचे क्या लिखेंगे हम, x के कोफिशियंट आ गए b और a, और माइनस टू ए बी और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वन के नीचे लिखेंगे हम x के कोफिशियंट और y के कोफिशियंट। अब फिर से वही करो, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ये, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस ये। यहां पे हम जब x के लिए करते हैं तो x के लिए क्या आएगा, x अपॉन a इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस आएगा फिर फॉर्मूले वाला माइनस, और ये होगा माइनस बी इंटू माइनस टू ए बी इज इक्वल टू माइनस वाई के नीचे हम लिखेंगे b इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फॉर्मूले का माइनस है फिर a इंटू माइनस टू ए बी, और इधर वन के बराबर इक्वल्स टू वन लिखेंगे, वहां पे आएगा माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। इतना हमने लिख लिया, इतना हमने लिख लिया। उसके बाद अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं, x अपॉन माइनस ए क्यूब और प्लस ए बी स्क्वायर, माइनस ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से, माइनस ए की मल्टीप्लाई माइनस बी स्क्वायर से। उसके बाद है यहां पर माइनस, और ये दोनों हो जाते हैं प्लस, माइनस बी इंटू माइनस टू ए बी हो जाता है प्लस टू ए बी स्क्वायर, और ये बाहर साइन जो है फॉर्मूले का टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन माइनस बी से मल्टीप्लाई होगी इसकी, तो आता है ये माइनस ए स्क्वायर बी, और ये आता है प्लस बी क्यूब, क्योंकि माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर होगा प्लस बी क्यूब हो जाएगा। यहां पे आएगा हमारे पास ये माइनस इंटू माइनस प्लस टू ए बी, टू ए स्क्वायर बी, टू ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू वन अपॉन, हम इसे ऐसे ही रखेंगे। अब यहां पे हम इसे सॉल्व करते हैं, एक्स अपॉन माइनस ए क्यूब, और इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन बी क्यूब, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस ए स्क्वायर बी, टू ए स्क्वायर बी से माइनस कराया हमने ए स्क्वायर बी को, और यहां हमें मिलता है माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और सॉल्व कर सकते हैं हम इसे, यहां से अगर मैं माइनस ए कॉमन ले लूं, या मैं ए कॉमन ले लूं यहां से, तो यहां मुझे मिलता है फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा इज इक्वल टू माइनस वाई, और यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं, मैं अगर इस फॉर्म में इसे बनाना चाहूं या अगर सिंपल भी रखना चाहते हैं हम, तो बी कॉमन आ सकता है यहां से, और ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम सॉल्व करेंगे x के लिए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x अपॉन a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, और यहां से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू ये a इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, यहां से a आ जाती है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे y के लिए, जब हम y के लिए सॉल्व करेंगे तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो माइनस वाई अपॉन बी इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये प्लस में है, तो यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये भी क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, ये कैंसिल, यहां से माइनस कैंसिल, तो वाई की वैल्यू जो आ जाएगी वो बी आ जाएगी, तो एक्स इज इक्वल टू ए और वाई इज इक्वल टू बी हमें यहां पर मिल जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की, वर्ड प्रॉब्लम कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है और आप इक्वेशन सॉल्व कर पाते हैं तो बाकी चीजें हम कर चुके हैं कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ लेट फर्स्ट नंबर
बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। तो मैंने दो नंबर लेट कर लिए, पहला नंबर मैंने एक्स मान लिया और दूसरा नंबर मैंने क्या मान लिया है, वाई मान लिया है। अब मुझे यहाँ पे दिया हुआ है इन दोनों का सम, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 137। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला केस हमें क्या दिया हुआ है कि जो दोनों का सम है वो कितना है, 137 है, और दूसरा हमें दिया हुआ है कि उनका जो डिफरेंस है वो है 43। दोनों नंबर का सम 137 है और दोनों का डिफरेंस 143 है। अब यहाँ पे हमने x माइनस वाई बनाया, आप इसे y माइनस x भी कर सकते हो, क्योंकि हमें ये ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि कौन सा नंबर दोनों में से बड़ा है, तो हो सकता है कि x बड़ा हो सकता है y बड़ा हो। तो मैं यहाँ assume करके चल रहा हूँ कि x जो नंबर है वो बड़ा है और x माइनस y इज इक्वल टू 43। अगर y बड़ा होता तो मैं लिखता y माइनस x, तो वो आप कैसे भी बना सकते हो, x माइनस y या y माइनस x। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा हुआ है। 2x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 180, तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब जब x की वैल्यू आ गई तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो x प्लस y इज इक्वल टू 137 है और यहाँ से मैं x की वैल्यू 90 रखता हूँ तो y कितना आता है, y इज इक्वल टू 137 माइनस 90, ये हमें मिल जाएगा यहाँ से 47। तो ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, तो हमसे दो नंबर पूछे गए थे x और y, तो एक नंबर है 90 एक नंबर है 47। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो नंबर है जिनका डिफरेंस जो है, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। फिर से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि x जो है वो बड़ा है, अगर आप y को बड़ा नंबर मान सकते हैं तो y माइनस x आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हमें x माइनस वाई जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 14, और दूसरी मुझे कंडीशन बताई हुई है कि जो इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस है, अगर मैं इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस करूं, मतलब x के स्क्वायर का और y के स्क्वायर का, वो मुझे दिया हुआ है 448। अब यहां से मुझे इक्वेशन बनानी है दूसरी, एक इक्वेशन हमें हमारे पास है x माइनस y इज इक्वल टू 14, और हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 448 से। तो हमें सबको पता है फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी, a माइनस b और a प्लस बी, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मेरे पास x माइनस y की वैल्यू पहले से ही है, वो है 14, तो यहाँ से ये जो 14 वैल्यू है मैं यहाँ पे रख दूंगा और ये आ जाएगा मेरे पास 14 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 448। अब हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ से मेरे पास x प्लस y की वैल्यू आ जाएगी 448 अपॉन 14, तो ये हमारे पास यहाँ पे बनता है 32। तो x प्लस y की वैल्यू आ जाती है 32, ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है x माइनस y इज इक्वल टू 14 और x प्लस y इज इक्वल टू 32। तो x माइनस y इज इक्वल टू 14 और x प्लस y इज इक्वल टू 32, इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे y कैंसिल हो जाता है और ये आता है 2x इज इक्वल टू 46। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 23, तो x तो आ गया यहाँ पे 23। दोनों में से आप कोई भी इक्वेशन के अंदर वैल्यू रखो, 23 प्लस y इज इक्वल टू 32, तो y की वैल्यू आ जाती है 32 माइनस 23 और y की वैल्यू हमें मिलती है यहां से 9। चलिए नेक्स्ट टाइप हमारे पास आता है इसमें टू डिजिट प्रॉब्लम्स, कि अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है कि एक नंबर है उसकी दो डिजिट्स हैं, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स आती हैं उससे रिलेटेड अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टू डिजिट नंबर में हम नंबर फॉर्म कैसे करते हैं। कि अगर मेरे पास कोई एक नंबर है, सपोज मेरे पास नंबर है 27, ये एक टू डिजिट नंबर है, ठीक है, ये एक टू डिजिट नंबर है, ये एक टू डिजिट नंबर है, तो यहां पर एक जो डिजिट है वो क्या है, इसकी वंस प्लेस बोलते हैं या फिर हम यूनिट्स प्लेस की डिजिट बोलते हैं इसे, ठीक है, वंस प्लेस पे है। इसकी टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है, वो है 2, ये तो टेंस प्लेस की डिजिट होती है ये, तो टेंस प्लेस की डिजिट और
यूनिट प्लेस के डिजिट हमारे पास। तो एक नंबर जो बना है, एक टू डिजिट नंबर जो बना है, वो किससे बना है? एक यूनिट प्लेस की डिजिट और एक टेंस प्लेस की डिजिट से। मतलब अगर मुझे कोई भी एक टू डिजिट नंबर बनाना है तो उसके लिए मुझे यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस की डिजिट चाहिए। और वो हम बनाएंगे कैसे? ये जो 27 है, मैं इसे लिखता हूं 20 प्लस 7। मतलब जो यूनिट प्लेस की डिजिट है उसका मल्टीप्लीकेशन तो मैंने 1 से किया है, प्लस जो टेंस प्लेस की डिजिट है 2, उसका मल्टीप्लाई किया है मैंने 10 से। मतलब अगर मुझे एक टू डिजिट नंबर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी टेंस प्लेस वाली डिजिट से, प्लस 1 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यूनिट प्लेस वाली डिजिट से, जो वंस प्लेस पे डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं एक कोई भी नंबर बनाना चाहूं, जैसे अगर मैं कहता हूं मुझे 52 बनाना है, तो टेंस प्लेस पे क्या है? 5 है, तो 10 की मल्टीप्लाई कर दी, और यूनिट प्लेस पे 1 है, 2 है, तो हमने उसकी 1 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया हमारे पास 52। तो कोई भी नंबर अगर मुझे बनाना है तो मैं इस तरह से बनाऊंगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वहां पे हम क्या करेंगे, हमने सपोज मान लिया लेट यूनिट प्लेस पर एक्स है और टेंस प्लेस पर वाई है। ये डिजिट्स है, नंबर नहीं है, डिजिट्स है, ठीक है। जो ये पूरा नंबर है 27, यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चन से कंपेयर करूं तो यूनिट प्लेस पे क्या है? x मतलब 7 है, और टेंस प्लेस पे y है मतलब 2 है, अगर मैं इससे कंपेयर करूं। अब मुझे अगर इससे एक नंबर बनाना है, एक टू डिजिट नंबर, तो नंबर कैसे बनेगा? जो यूनिट प्लेस वाली है उसे तो हम 1 से मल्टीप्लाई करके रख लेंगे, प्लस जो टेंस प्लेस वाली है उसकी मल्टीप्लाई हम 10 से कर देंगे। तो ये मेरे पास क्या आ जाता है? नंबर आ जाता है। और अगर मैं इसी नंबर को रिवर्स करना चाहूं तो रिवर्स कैसे करेंगे हम? अगर मैं 27 को रिवर्स करूंगा तो बनता है 72। मतलब जो यूनिट प्लेस वाली है वो टेंस प्लेस पे आ जाएगी और टेंस प्लेस वाली यूनिट प्लेस पे चली जाएगी। तो यहां से भी हमें क्या करना है? फिर से रिवर्स कर देना इन्हें। तो x कहां चली जाएगी? y की जगह, और y कहां चला जाएगा? x की जगह। तो ये नंबर रिवर्स होके आ जाएगा। यही चीजें हमें क्या करनी है? इस टाइप के अंदर यूज करनी है। चलिए, अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, कि हमारे पास एक टू डिजिट नंबर है और उसकी जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स हमने क्या मान लिया? यूनिट प्लेस पे एक्स मान लिया और टेंस प्लेस पे हमने वाई मान लिया है। तो जो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस वाली डिजिट्स हैं उनका जो सम हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12। तो सबसे पहला हम जो अपनी इक्वेशन बनाते हैं, पहली इक्वेशन कहां से आएगी कि सम ऑफ द डिजिट्स, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मुझे दिया हुआ है 12। ये डिजिट्स का सम है। तो डिजिट्स क्या क्या है? यूनिट प्लेस पे एक्स है और टेंस प्लेस पे y है। उसके बाद वो कह रहा है नेक्स्ट सिचुएशन जो है हमें दी हुई है, नेक्स्ट कंडीशन जो हमें दी हुई है वो दी हुई है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू डिजिट्स। जो नंबर हमें मिलता है उन डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। मतलब हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है और जो नंबर हमें इंटरचेंज करके मिला है, मतलब रिवर्स नंबर जो मिला है उसका, जो नया नंबर है वो एक्सीड करता है गिवन नंबर को बाय 18। मतलब ये नंबर इस नंबर से 18 ज्यादा है। तो अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो ओरिजिनल नंबर में मुझे क्या करना पड़ेगा? 18 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिवर्स नंबर जो इंटरचेंज करने के बाद नंबर आया है वो एक्सीड करता है, मतलब इससे ज्यादा है ओरिजिनल नंबर से 18। तो इन दोनों का डिफरेंस, रिवर्स में से ओरिजिनल को माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा? 18 मिलता है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो रिवर्स नंबर है वो इससे 18 बड़ा है, तो अगर ओरिजिनल में 18 ऐड कर दोगे तो वो रिवर्स नंबर के बराबर आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं हमारे पास नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर क्या होगा। ओरिजिनल नंबर जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, यूनिट प्लेस को हम ऐसे ही रखते हैं और टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जो रिवर्स होगा वो नंबर क्या होगा, इन डिजिट्स को क्या करेंगे हम, इंटरचेंज कर देंगे। तो 10x प्लस y हमारा रिवर्स नंबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। जो रिवर्स नंबर है 10x प्लस y इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 10y प्लस x प्लस 18। इधर ले आओ, माइनस कर लेते हैं, 10x प्लस y माइनस 10y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। तो ये आ जाता है 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18।
और ये मिल जाता है। यहां से अगर आप 9 कॉमन ले लो तो 9 कॉमन लेने के बाद 18/9 2, तो इक्वेशन पहली है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और दूसरी आ गई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास दो इक्वेशन हो गई हैं। अब हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं आराम से इक्वेशंस को, तो 2x इज इक्वल टू 14 आ गया और x की वैल्यू आ गई 7। जब x 7 आ गया तो यहां पे हम रख सकते हैं वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है और x की जगह हमने 7 रखा तो y की वैल्यू आ गई 12-7 और y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 5। तो जब मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई, डिजिट्स आ गई, तो जब डिजिट्स आ गई तो मेरे पास नंबर क्या बनेगा, टेंस प्लेस पे मेरे पास क्या है y, तो 5 हो गया और यूनिट प्लेस पे मेरे पास क्या है 7, तो हमारा नंबर जो बनता है वो कितना बनता है 57। या फिर आप यहां पे इसके अंदर भी वैल्यू रख के देख सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी हमारे पास 5, तो 10 × 5 = 50 + 7, तो आंसर हमारे पास आ जाता है 57। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें कि हमें दिया हुआ है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, तो हमने यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस ले लिया और उसके बाद हमें सम जो दिया हुआ है इसका कितना दिया हुआ है, इस बार 9 दिया हुआ है कि जो दोनों डिजिट्स हैं, दोनों डिजिट्स का सम कितना होगा वो 9 होगा। उसके बाद हमें दूसरी कंडीशन इसमें दी हुई है कि जो नंबर्स हैं, जो भी हमारे पास नंबर बनेगा उसमें अगर मैं 27 ऐड कर देता हूं, जो नंबर है उसमें अगर मैं 27 ऐड कर देता हूं, जो ओरिजिनल नंबर है उसमें अगर मैं 27 ऐड कर देता हूं, तो जो नंबर है वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब ओरिजिनल नंबर में अगर आप 27 ऐड करोगे तो नंबर कैसा हो गया, रिवर्स हो गया। तो ओरिजिनल नंबर मेरे पास ये है और रिवर्स नंबर मेरे पास ये है, तो मुझे क्या करना है, इस नंबर में 27 ऐड करना है और मेरा नंबर क्या हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। तो ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड किया और नंबर रिवर्स हो गया, माइनस कर लो इधर, माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 27 और ये मेरे पास बनता है यहां पे माइनस 9x प्लस 9y इज इक्वल टू माइनस 27। 9 कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 27, इक्वेशन आती है हमारे पास माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 और पहली इक्वेशन मेरे पास थी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहां से एक्स कैंसिल हो गया, उसके बाद 2y आता है इज इक्वल टू 9-3 = 6 और यहां से y की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 3। अब y की वैल्यू आ गई है, उसके बाद क्या करो, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू 9-3, एक्स इज इक्वल टू 6 आ गया। अब यहां पे जब ये 6 आ गया तो हम नंबर अगर लिखना चाहें तो नंबर क्या लिखेंगे, यूनिट प्लेस पे हमारे पास 6 है और जो टेंस प्लेस है उसके पास 3 है, या आप यहां पे वैल्यू भी रख सकते हैं 10 × y की वैल्यू 3 = 30 प्लस x की जगह हम 6 रख देंगे तो 36 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहां पे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं और भी हमारे पास कुछ वैल्यूज इस तरह से दी जा सकती है, यहां पे जो कंडीशन दी जा सकती है वो इस तरह से दी जा सकती है कि x इज 3 times ऑफ y, मतलब जो यूनिट प्लेस पे है वो 3 times है जो टेंस प्लेस वाली डिजिट के, या कुछ भी इस तरह से हमें क्वेश्चन मिल सकता है। अब नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास इसमें आता है वो आता है फ्रैक्शन, कि अगर आप फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारे पास वहां दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। मतलब अगर मेरा एक फ्रैक्शन है तो वो अगर मैं लिख रहा हूं 2/5 तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलकर बनेगा, तो यहां पर हम न्यूमरेटर को लेट कर लेते हैं, सपोज एक्स है और डिनोमिनेटर हमारे पास वाई है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास कि यहां पे फ्रैक्शन क्या होगा, तो अगर मैं फ्रैक्शन लिखना चाहूं तो मेरे पास जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो क्या हो गया, x/y आ गया। अब इसके बाद मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर मैं न्यूमरेटर में जो पहली कंडीशन है वो क्या है, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2-2 ऐड कर दूं, कि जो न्यूमरेटर है उसके अंदर भी 2 ऐड कर दो, जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर भी 2 ऐड कर दो,
तो जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है, फ्रैक्शन हो जाता है 9/11 कि जो मेरा फ्रैक्शन है वो हो जाता है 9/11। तो यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और इक्वेशन सॉल्व करूंगा, 11 × x + 2 9 × y + 2। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे और एक्स वाई में इक्वेशन बनाएंगे, 11x + 22 9y + 18। तो यहां से हम इसे लिखेंगे 11x - 9y = 18 - 22। तो 11x - 9y = -4 हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाती है। उसके बाद मुझे दूसरी जो कंडीशन दी हुई है वहां पे क्या बताया गया है कि अगर आप इसके अंदर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में 3 ऐड करते हैं, दोनों में हमने क्या करा 3 ऐड करा, तो जो फ्रैक्शन है x अपॉन y वाला वो कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। कि x + 3 और y + 3 अगर आपने किया है तो उसमें हमें क्या मिलता है, फिर 5/6 मिलता है। अब हमें फ्रैक्शन बताना, और अगर मुझे फ्रैक्शन बताना है तो मुझे एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। तो यहां से भी हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, 6 × x + 3 = 5 × y + 3। तो ये आ जाता है 6x + 18 = 5y + 15। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आता है 6x, इधर आ जाएगा -5y और ये होगा 15 - 18। तो 6x - 5y = -3 हमें यहाँ मिल जाता है। तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या आती है, 6x - 5y = -3। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जैसे हम हर क्वेश्चन के अंदर करते हैं, 11x - 9y = -4 और 6x - 5y = -3। अब हम किसी के भी एक वेरिएबल को कॉमन कर लेंगे, सेम कर लेंगे और एलिमिनेशन मेथड यहां पे लगाएंगे। तो अगर मैं इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर 11 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या बनता है, 66x - 54y = -24 और ये बनता है 66x - 55y = -33। अब देखिए यहां पर जो मैंने वेरिएबल, जो एक्स वेरिएबल था उसके कोफिशिएंट सेम करे हैं, दोनों का साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो सबके क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहां ये कैंसिल हो जाएगा, 55y - 54y आता है y, और 33 - 24 ये हमें मिलता है 9। तो यहां से मेरे पास y की वैल्यू आ जाती है। जब y मुझे मिल गया है तो यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख दो, 6x - 5 × y की वैल्यू रखो = -3। तो 6x = -3 + 9 = 45। तो 6x = 42 और x की वैल्यू आ जाती है 7। तो x 7 आ गया, y 9 आ गया, तो फ्रैक्शन जो हमारा बनता है वो बनता है x/y, मतलब 7/9 हमारा यहाँ पे आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वहां पे भी हमारे पास न्यूमरेटर हमने x लिया है, डिनोमिनेटर हमने y लिया है, और जो फ्रैक्शन बनेगा हमारा वो बनेगा x/y। अब हमें यहां पे क्या दिया हुआ है, पहली जो कंडीशन मुझे दी हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों का सम, जो न्यूमरेटर में लिखा है और जो डिनोमिनेटर में लिखा है उन दोनों का सम है 12। तो मेरे पास पहली इक्वेशन मेरी आ जाती है x + y = 12। और दूसरी जो कंडीशन है उसमें हमें क्या दिया हुआ है कि अगर आप डिनोमिनेटर को बढ़ा दोगे बाय 3, अगर आप डिनोमिनेटर को बढ़ा दोगे बाय 3 तो जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 1/2। तो न्यूमरेटर आपने ऐसे ही रखा, सेकंड केस न्यूमरेटर आपने ऐसे ही रखा और डिनोमिनेटर में आपने क्या करा है 3 का इंक्रीमेंट किया और फ्रैक्शन आपका हो जाता है 1/2। ये हमें गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x = y + 3 आ जाएगा और यहां से इक्वेशन बनेगी 2x - y = 3। ये मेरे पास आ जाती है सेकंड इक्वेशन। और जब ये दोनों इक्वेशन आ गई है तो अब हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x + y = 12 और 2x - y = 3। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3x = 15
और x की वैल्यू आ जाती है 5। x 5 आ गया तो पुट कर दो, कोई सी भी इक्वेशन में आप रख सकते हो, तो 5 प्लस y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 माइनस 5, y की वैल्यू आ जाती है 7। तो हमारे पास x आ गया 5, y आ गया 7, तो हम यहां पे रख सकते हैं इसे 5/7, हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें एज प्रॉब्लम जो होती है कि एज रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो इन क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास एक चीज होती है जो नॉर्मली हमें निकालने के लिए बोला जाता है, वो होती है प्रेजेंट एज। तो हम कुछ भी प्रेजेंट एज लेते हैं, उसके बाद आपको या तो दिया होगा कुछ साल बाद या कुछ साल पहले का रिलेशन, कि 10 साल पहले या 10 साल बाद, 5 साल पहले 5 साल बाद, कुछ इस तरह से हमें क्वेश्चन दिए होते हैं। तो अगर मेरी अभी प्रेजेंट एज अगर एक्स ईयर्स है तो आफ्टर 5 ईयर्स कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी, और 5 ईयर्स अगो अगर बोला जा रहा है तो x माइनस 5 हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, सिंपल प्लस और माइनस करना है, जितनी भी हमें एज दी हुई है, जिस तरह से भी हमें एज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, प्लस और माइनस करना होगा। अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है यहां पर कि 10 years hence a man's age will be twice as the age of his son, कि जो उसके son की एज है 10 साल बाद जो एक man है उसकी एज अपने son की एज के twice होगी, और 10 साल पहले 10 years ago man was 4 times as old as his son, कि 10 साल पहले जो man है वो अपने बेटे से 4 times था। तो बताओ प्रेजेंट एजेस क्या है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू वाई ईयर्स। फादर की एज एक्स ईयर्स हो गई और सन की एज वाई ईयर्स हो गई, ये है हमारी प्रेजेंट एज जो उनकी अभी एज है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं केस वन क्या है। केस वन हमारे पास है 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स कि 10 साल बाद क्या होगा। 10 ईयर हेंस जो यूज किया गया है वो बाद के लिए यूज किया गया कि 10 ईयर्स के बाद क्या होगा कि जो फादर की एज है वो तो हो गई 10 ईयर्स ज्यादा हो गई और जो सन की एज है वो भी 10 ईयर्स ज्यादा हो गई, लेकिन अब इन दोनों के बीच का जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि जो फादर है वो ट्वाइस हो गया अपने सन से। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 10 साल बाद जो फादर है वो ट्वाइस हो गया है सन से। तो 10 साल बाद की एज क्या हो गई, प्रेजेंट एज एक्स है 10 साल बाद एक्स प्लस 10, प्रेजेंट एज वाई है 10 साल बाद वाई प्लस 10 हो गई। उसके बाद हमें रिलेशन जो दिया हुआ है कि जो फादर है वो ट्वाइस है सन के, तो यहां से मेरे पास ये इक्वेशन है, इसे सॉल्व करते हैं x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, सॉल्व करो इधर लाके इज इक्वल टू 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 मेरे पास पहली इक्वेशन बनती है। उसके बाद दूसरा केस हमें क्या दिया हुआ है, केस सेकेंड क्या है कि 10 ईयर्स अगो कि 10 साल पहले क्या था, 10 साल पहले जो एज होगी फादर की वो कितनी होगी, प्रेजेंट एज से 10 माइनस कर दो और जो सन है उसकी एज भी प्रेजेंट एज से 10 माइनस कर दो। उसके बाद हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है कि जो फादर है वो 4 टाइम्स था अपने सन के, फादर 4 टाइम्स था अपने सन के कब, 10 साल पहले, तो हम क्या करेंगे यहां पे फादर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सन। यहां से अब इक्वेशन बनाओ, तो इक्वेशन क्या आती है x माइनस 10 इज इक्वल टू 4y माइनस 40, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 10, x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 और x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30, दोनों प्लस में है तो हम क्या करेंगे साइन चेंज, जो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाता है, 4y माइनस 2y आता है 2y,
30 प्लस 10 आता है 40, तो y की वैल्यू आ जाती है 20। तो y की वैल्यू 20 आ गई, उसके बाद हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 40, तो x की वैल्यू आ गई 50। इसका मतलब जो प्रेजेंट एज है फादर की वो है 50 इयर्स, और जो सन है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो है 20 इयर्स। अगर आप 10 साल पहले जाओगे तो 10 साल पहले एज हो जाती है 10 इयर्स और ये हो जाती है 40 इयर्स, तो वो अपने सन का कितना है 4 टाइम्स है। और आप 10 साल बाद अगर जाते हो तो एज हो जाती है 30 इयर्स और ये हो जाती है 60 इयर्स, तो वो क्या है अपने सन का 2 टाइम्स है वहां पर। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है एज रिलेटेड, कि हमें दिया हुआ है 5 इयर्स अगो नूरी वॉज थ्राइज ओल्ड एज सोनू, मतलब 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो 3 टाइम्स थी सोनू से, और 10 साल बाद 10 इयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी होगी वो सोनू की एज से कितना होगी डबल उसकी एज होगी। तो प्रेजेंट एजेस हमें निकालनी है, तो हम देख लेते हैं यहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला गया है। पहला केस है वो बात हो रही है 5 इयर्स एगो, कि 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात हो रही है, तो 5 साल पहले क्या होगा जो नूरी की एज होगी वो कितनी होगी x माइनस 5, और जो सोनू की एज होगी वो कितनी होगी y माइनस 5। तो ये उनकी 5 साल पहले की एजेस हो गई, और हमें क्या दिया हुआ है कि जो नूरी है वो 3 टाइम्स है किसकी एज के, सोनू की एज के। हम ऐसे लिख सकते हैं जो नूरी है वो 3 टाइम्स है सोनू की एज के, तो सोनू की एज 5 साल पहले y माइनस 5, नूरी की एज x माइनस 5। इक्वेशन सॉल्व करो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाती है। केस 2 देख लो, केस 2 क्या बनता है हमारे पास, केस 2 है हमारे पास 10 इयर्स लेटर, 10 साल बाद की जब बात हो रही है, तो 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद जो नूरी की एज होगी वो हो जाएगी 10 इयर्स, ऐड कर देंगे, और जो सोनू है उसकी एज हो जाएगी y प्लस 10, दोनों की एज जो प्रेजेंट एज है उसमें 10-10 ऐड हो जाएगा। और हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है कि जो नूरी है वो ट्वाइस होगी सोनू की एज से, तो इज इक्वल टू क्या करो, ट्वाइस कर दो सोनू की एज का। उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करें अगर हम, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू आ जाता है 2y प्लस 20, और x माइनस 2y इज इक्वल टू आ जाता है 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे यहां से सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरी इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 आ गई है, इक्वेशन को माइनस कर लो यहां से, प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, यहां आ जाता है माइनस वाई, माइनस 3y प्लस 2y, और ये आ जाता है माइनस 20, तो यहां से y हमें मिलता है 20, और जब y 20 आ गया तो हम क्या करेंगे इक्वेशन में रख देंगे इसे, तो x माइनस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 40, तो x की वैल्यू आ जाती है 50। तो जो नूरी की प्रेजेंट एज है वो 50 ईयर्स है, और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो 20 ईयर्स है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के ऊपर और डिस्टेंस टाइम के ऊपर। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, हमारे पास सपोज कुछ इस तरह से एक बोट है और वो इस तरफ चल रही है, उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और जो वाटर का फ्लो है वो भी किस तरफ है, इस तरफ है, और उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो अगर बोट इधर जा रही है या कोई भी इधर की तरफ जा रहा है तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ऐड हो जाएगी वाटर के साथ। तो सपोज हमारे पास इधर कोई फ्लो हो रहा है और उसी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, तो जो स्पीड होगी, जो फ्लो की स्पीड है, वो क्या करेगी, आपको हेल्प करेगी इधर जाने में। सपोज एक बहुत तेज हवा चल रही है, आप साइकिल पे जा रहे हैं, अगर आप हवा के अगेंस्ट जा रहे हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, जबकि अगर आप हवा के साथ जा रहे हैं तो आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो जब भी आप फ्लो के साथ हैं, एयर के साथ हैं, फ्लो के साथ हैं, तो उसे हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम।
तो वहां पर जो टोटल स्पीड हो जाती है वो ऐड हो जाती है। ऐसे ही जब आप अगेंस्ट चल रहे होते हैं, फ्लो के अगेंस्ट हैं, एयर के अगेंस्ट हैं, तो वहां पर स्पीड क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी और हम उसे लिखेंगे x माइनस वाई किलोमीटर पर आर। अब मेरे पास जैसे यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक बोट है जो अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम 44 किलोमीटर जाती है 10 घंटे में, मतलब 10 घंटे के अंदर वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों जाती है, दोनों का हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। तो मैं मान के चलता हूं लेट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम या वाटर जो भी आप लिखना चाहें y किलोमीटर पर आर हम ले लेते हैं उसे। तो स्पीड ऑफ बोट आ गई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई। अब मुझे पहली जो सिचुएशन, पहली जो कंडीशन मुझे दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, 10 आवर्स टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है। तो उसे टाइम कुछ इस तरह से लग रहा होगा T1 जो कि उसका अपस्ट्रीम का टाइम है और T2 उसे लगता है डाउनस्ट्रीम में सपोज, और टोटल टाइम उसका कितना है 10 आवर्स उसे लगा है। तो दोनों का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, 10 आवर्स के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का दोनों का टाइम लिखते हैं। तो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, अपस्ट्रीम के लिए वो जाता है 30 किलोमीटर। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 30 किलोमीटर और स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम के अंदर x माइनस वाई प्लस T2 होगा जो डाउनस्ट्रीम में जा रहा है। डाउनस्ट्रीम में जो डिस्टेंस है उसका वो हमें दिया हुआ है 44 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हो गया यहां पर 44 किलोमीटर अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी होगी डाउनस्ट्रीम में ऐड हो जाएगी, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू यहां पे हमें दिया हुआ है टोटल 10 आवर्स। टोटल 10 आवर्स, तो यहां पर ये इक्वेशन मैं लिख लेता हूं इसे इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही जब हम केस 2 लिख रहे हैं, केस 2 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि जो बोट है वो 13 आवर्स लेती है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो सेम इसी तरह से लिखेंगे 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए जो स्पीड होगी वो x माइनस वाई होगी प्लस उसके बाद है हमारे पास 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो 55 अपॉन x प्लस वाई और इस बार टाइम जो लग रहा है वो 13 आवर्स लग रहा है। तो यहां पर मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई, ये दो इक्वेशन मेरे पास आ गई और हम पढ़ चुके हैं कि इन इक्वेशंस को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर मुझे पहली इक्वेशन बनानी है तो यहां पर मैं लेट कर लेता हूं, लेट 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू u और 1 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू v। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी ये 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10 और यहां पर जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। यहां से हम क्या करेंगे, अब u और v की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं एलिमिनेशन मेथड के अंदर कि हमने क्या करा, यहां से u और v की वैल्यू निकाली। u और v जब हमारे पास आ जाएगा तो उसे हम क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे और वो जो u और v की वैल्यू होगी, वो जो u और v की वैल्यू होगी वो क्या होगा, x और y में इक्वेशन बनाएगा, वहां से हम x y की वैल्यू निकालेंगे। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आराम से। हमने इक्वेशन यहां पे बना ली है, इक्वेशन के बाद पहले यू वी निकालो, यू वी निकाल के हम यहां पुट करेंगे और एक्स वाई की हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, वहां से एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वो भी डिस्टेंस के ऊपर है, डिस्टेंस और टाइम के ऊपर। हमें यहां पे दिया हुआ है कि दो पॉइंट है ए और बी, यहां पर दो कार्स हैं और वो दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं, इधर से इधर की तरफ दोनों चलती हैं। तो जब वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो 5 घंटे बाद दोनों ही पी पर मिलती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए भी 5 घंटे चली है, बी भी 5 घंटे चली है और वो पी पॉइंट पे आके मिल गई है। और दूसरी कंडीशन हमें दी हुई है कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, मतलब ए इधर चले और बी इधर चले, तो वो 1 घंटे में मिल जाती है, कहां पे, क्यू पे, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर हमें दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि इनकी स्पीड
क्या होगी, तो स्पीड क्या होगी, तो हम यहां पे लेट कर लेते हैं कि ए की स्पीड है x किलोमीटर पर आर और बी की स्पीड है y किलोमीटर पर आर, ए की स्पीड और बी की स्पीड हमने लिख ली है। उसके बाद हमारे पास देखिए यहां पे टोटल डिस्टेंस जो है इनके बीच का वो है 100 किलोमीटर, और जब ए और बी दोनों पी पे आके मिलती हैं तो कार ए कवर्स कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, ए पी कवर किया है, और कार बी, ये हमारा है केस वन, कार बी कवर्स, बी ने कितना कवर किया है, बी पी। और डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहां पर ए की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आर और टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे का, तो कितना हुआ टोटल 5x डिस्टेंस उसने कवर किया कार ए ने। ऐसे ही हम बीपी अगर निकालेंगे तो यहां पे भी स्पीड इनटू टाइम लगेगा और ये कितना आएगा y किलोमीटर पर आर फॉर 5 आवर्स, तो कितना हो गया 5y यहां पर इसने डिस्टेंस कवर किया है। और एपी माइनस बीपी अगर आप करोगे इस टोटल में से, अगर बीपी को माइनस कर दो तो टोटल हमारे पास कितना बचता है 100 किलोमीटर। हम लिख सकते हैं एपी माइनस बीपी इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, दोनों के बीच का ए बी आएगा ना, ये ए बी कैसे आएगा, एपी में से आप बीपी को हटा दो तो ए बी बचता है, तो एपी माइनस बीपी इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं ए बी। तो एपी की वैल्यू कितनी है 5x, ये है 5y इज इक्वल टू 100। यहां से आप 5 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, और 5 से आप इसे डिवाइड करोगे तो एक इक्वेशन आ जाती है मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। उसके बाद दूसरा केस हमारे पास क्या है, केस टू, इस बार ये यहां से चलते हैं कितना ए क्यू और इधर से ये चलेगा बी क्यू, क्यू पॉइंट पे आकर ये मिलेंगे, तो कार ए कवर्स ए क्यू डिस्टेंस और कार बी कवर्स बी क्यू डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला वही है स्पीड इनटू टाइम। यहां पर स्पीड तो सेम रहेगी एक्स और टाइम हो गया है अब 1 घंटा, क्योंकि अब वो 1 घंटे में मिल रहे हैं दोनों। और बी क्यू यहां पर भी स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू वाई इनटू 1, तो ये आ जाता है एक्स और ये आ जाता है वाई। और इस बार क्या है, इन दोनों का डिस्टेंस जितना कवर करा है दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया सम, हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए बी, और ए क्यू की वैल्यू एक्स, ये है वाई इज इक्वल टू ए बी कितना हो गया 100। तो ये मेरे पास एक और इक्वेशन आ जाती है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20, और सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 120, एक्स इज इक्वल टू 60 आ जाता है, मतलब x की जो स्पीड है वो कितनी है, ए की स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आर है। उसके बाद यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है और x की वैल्यू है हमारे पास 60, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आर। इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, दोनों की जो स्पीड है वो निकल जाएगी। एक क्वेश्चन हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन हमें एंगल्स के ऊपर दिए जा सकते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि जो लार्जर एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल्स में, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स, मैं ये मान लेता हूँ दो एंगल है मेरे पास, लेट फर्स्ट एंगल बी एक्स डिग्री और सेकेंड एंगल बी वाई डिग्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल है तो एक इक्वेशन तो मेरे पास सीधे ये बन जाती है कि वन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम 180 होगा। और आप जिसे बड़ा मानोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो दिया हुआ है वो क्या है कि जो बड़ा एंगल है, अगर मैं एक्स को बड़ा मानता हूं तो वो एक्सीड करता है दूसरे वाले को बाय 18 डिग्री, मतलब ये इससे 18 बड़ा है तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 18 डिग्री का आएगा, तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन जाती है। और दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे यहां पर सॉल्व कर लेंगे, तो x की वैल्यू आ जाती है यहां पर 99 डिग्री। अब यहां पर हम इक्वेशन में किसी में भी रख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और x की जगह हमने 99 रख दिया, तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 180 माइनस 99।
वाई हमें यहाँ से मिल जाता है 81 डिग्री, तो यहाँ से दोनों एंगल्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, एक आ गया 99 डिग्री और एक आ गया 81 डिग्री। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन और है कि यश के 40 मार्क्स आते हैं, अगर जो मार्किंग स्कीम है कुछ इस तरह से है, जितने भी आपने सही क्वेश्चन करे हैं उनका आपको 3 मार्क्स पर क्वेश्चन मिलेगा, गलत पे आपको -1 होगा पर क्वेश्चन। उसके बाद ऐसे ही 50 मार्क्स वो स्कोर करता अगर आप 4 मार्क्स देते उसे एक क्वेश्चन पर अगर वो सही है, और -2 होते अगर वो क्वेश्चन गलत है। तो टोटल मार्क्स कैसे आते हैं कि अगर सपोज मेरे पास 4 क्वेश्चन होते, 4 में से 2 उसने सही कर दिए, 2 × 3 आप दे देते उसे मार्क्स, और उसमें से माइनस कर देते कितने, अगर उसने सपोज 2 गलत किए तो 2 × 1 कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाता है ये 6, 6 - 2 टोटल 4 मार्क्स आ जाते हैं उसके। ठीक है, तो हमें ऐसे बनानी है यहाँ पे इक्वेशन। तो मैं मान के चलता हूं जो उसने क्वेश्चन सही किए, लेट द करेक्ट क्वेश्चंस इज इक्वल टू एक्स, और जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो हो गए वाई, कि उसने एक्स तो सही किए और वाई उसने क्या करे हैं, गलत करे हैं। तो यहां पे क्या करेंगे हम, पहला केस जो है केस वन, उसके टोटल मार्क्स आए हैं 40, और वो 40 मार्क्स बने कैसे हैं, जो सही क्वेश्चन थे उसके लिए तो उसे 3 मार्क्स मिले, तो 3 × x से हमें वो मार्क्स मिल गए जो कि सही की वजह से उसे मिले हैं, उसमें से हमें वो माइनस करने हैं जो उसने रॉन्ग करे हैं, तो -1 × y - y, तो पहली इक्वेशन हमारी यहां पे बन जाती है। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, केस टू देख लेंगे कि अगर क्वेश्चन 4 नंबर का होता जो सही वाला था और 2 नंबर का होता जो गलत वाला था, तो उसके मार्क्स आते 50, तो इक्वेशन हो जाती है 4x - 2y = 50, और अगर 2 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा ऐसे 2x - y = 25, हमने 2 कॉमन ले लिया और 2 से डिवाइड कर लिया ऐसे, तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यहां से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, यहां आ गया -x, यहां पे आ गया -15, तो x की वैल्यू आ जाती है 15, मतलब उसने जो सही किए हैं क्वेश्चन वो कितने करे हैं, 15 क्वेश्चन सही किए हैं। अब दूसरी इक्वेशन से निकाल लो, यहां से 2x - y = 25 है, 2 × 15 - y = 25, y इधर ले जाओ 25 इधर ले आओ, तो कितना हो गया यहां पे 30 - 25 = y, तो 5 क्वेश्चन क्या करें उसने गलत करें, तो टोटल हमारे पास क्वेश्चन हो जाते हैं 15 + 5 = 20 क्वेश्चन टोटल थे, और उसने क्या करें वहां पर 15 क्वेश्चन सही करे हैं, तो अगर वो 15 सही करता है तो 45 मार्क्स, -5 गलत करता है तो -45 - 5 = 40 मार्क्स आ जाते हैं, ऐसे आप वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। चलो टाइम एंड वर्क के लिए क्वेश्चन हम देखते हैं, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 men 7 boys किसी काम को मिलके करते हैं, 4 दिन में उसे वो कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद दूसरी जो कंडीशन मुझे दी हुई है कि अगर 4 men और 4 boys मिलके करेंगे तो उस काम को वो 3 दिन में कर देंगे, तो यहाँ पे हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक अकेला मैन और एक अकेला बॉय कितने कितने टाइम में पूरा काम कंप्लीट करता है वो हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट 1 man टेक x डेज फॉर कंप्लीट वर्क, और जो कंप्लीट वर्क है हम उसे 1 से डिनोट कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूंगा कि आधा काम हो गया तो मैं बोलूंगा 1/2, जो उसका फ्रैक्शन है वो 1/2, 3/4 इस तरह से हम उसे डिनोट करते हैं। तो जो कंप्लीट वर्क है मैं उसे 1 से डिनोट कर रहा हूं, कि 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, कंप्लीट वर्क जो हो जाता है वो 1 है। उसके बाद अगर आप निकालोगे यहां से 1 man 1 day work कि वो एक दिन में कितना काम करता है, यहां पर x डेज उसने लिए हैं पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए, तो एक दिन में वो कितना काम कंप्लीट करेगा, 1/x। आप चाहो तो यहां पर यूनिटरी मेथड लगा सकते हो कि x डेज में पूरा काम कंप्लीट होता है तो एक दिन में कितना होगा, तो 1/x × 1, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 1/x उसने काम किया। अब मैं यहां पे निकाल रहा हूं इसका पहले 4 days का वर्क,
ये वन मैन्स फोर डे वर्क कि वो चार दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में इतना हुआ है तो चार दिन में कितना हो गया, फोर से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो फोर अपॉन एक्स वर्क करेगा वो अगर अकेला एक आदमी काम कर रहा है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, लेट वन बॉय टेक्स वाई डेज, हमने ये मान लिया कि एक जो लड़का है वो वाई डेज लेता है फॉर कंप्लीट वर्क, कंप्लीट वर्क के लिए, तो हमने कंप्लीट वर्क को वन से रिप्रेजेंट किया है, तो एक लड़का वाई दिन में अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेता है, तो एक लड़का एक दिन में कितना काम करेगा, तो वो हो गया वन अपॉन वाई, सिंपल यूनिटरी मेथड है, वन अपॉन वाई इंटू वन इज इक्वल टू वन अपॉन वाई आ गया, तो उसने कितना काम करा, वन अपॉन वाई वर्क करा। एक लड़के का चार दिन का चार दिन का काम कितना आएगा, फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर अपॉन वाई आ गया। अब मैं पहली इक्वेशन बना रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है टू मैन सेवन बॉयज फोर डेज लेते हैं जब एक साथ काम करते हैं, तो मेरे पास है एक मैन का काम है फोर अपॉन एक्स, एक बॉय का काम है फोर अपॉन वाई, और हमारे पास टोटल कितने मैन है, टू मैन और सेवन बॉयज, और वो कितने दिन में काम अपना, और वो हमने क्या लिया है, चार चार दिन का इनका काम लिया है, तो पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। आप इस फोर को यहां पे भी नीचे भी रख सकते हो, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे आप इसे सॉल्व कर लेना। मैंने यहां पर इसे क्या करा है, फोर डेज वर्क निकाल लिया है, चार दिन का काम मैंने निकाल लिया है, उसके बाद दो आदमी है तो दो से मल्टीप्लाई, सात लड़के हैं तो सात से मल्टीप्लाई। आप यहां से भी कर सकते हो इसे कि आपने एक दिन का काम निकाल लिया है, एक दिन का काम निकाला है तो ये जो फ्रैक्शन आएगा यहाँ पे वन अपॉन फोर आएगा फिर, तो जैसे भी सॉल्व करना चाहो वैसे कर लो। यहां पर मैंने फोर डेज वर्क निकाला नंबर ऑफ मैन, फोर डेज वर्क निकाला नंबर ऑफ बॉयज, मल्टीप्लाई करके हमारा काम क्या हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये मेरे पास बनेगा फोर टू जा एट प्लस 28y इज इक्वल टू वन, ये मेरे पास इक्वेशन आ जाती है। हमने वन डे वर्क निकाला हुआ था, अब हमें क्या चाहिए, थ्री डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो थ्री डेज वर्क क्या होगा, मैंस थ्री डेज वर्क इज इक्वल टू थ्री अपॉन एक्स, और बॉयज थ्री डे वर्क इज इक्वल टू थ्री अपॉन वाई आ गया। अब हम दूसरी इक्वेशन आराम से बना सकते हैं, फोर मैन है हमारे पास कितना काम करेंगे, थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर बॉयज हैं तो थ्री अपॉन वाई इज इक्वल टू कंप्लीट काम हो जाता है। तो यहां से जो इक्वेशन बनेगी मेरे पास वो कितनी बनेगी, ट्वेल्व अपॉन एक्स प्लस ट्वेल्व अपॉन वाई इज इक्वल टू वन। अब यहां से आप इक्वेशन आराम से सॉल्व कर सकते हो, लेट वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू, वन अपॉन वाई इज इक्वल टू वी, तो ये इक्वेशन हो जाती है एट यू प्लस ट्वेंटी एट वी इज इक्वल टू वन, और ये इक्वेशन हो जाती है ट्वेल्व यू प्लस ट्वेल्व वी इज इक्वल टू वन। अब आराम से आप इक्वेशन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो।